तो वहीं इस दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने हिंदी खबर से खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने प्रेरणा ऐप के विषय में भी जानकारी दी है। बेसिक शिक्षा विभाग बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है और आज प्रेरणा ऐप का लॉन्च किया गया। इस पर हमसे बात करने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी मौजूद हैं। सर, आज प्रेरणा ऐप का लॉन्च किया गया, मुख्यमंत्री जी ने भी बड़े स्तर पर जो विभाग की बढ़ाई की और आप जिस तरीके से जब से आपने विभाग संभाला है कई चीजें देखी जा रही है बृहद स्तर पर बेसिक शिक्षा में काम हो रहा है। आज जिस तरीके से प्रेरणा ऐप का जो लॉन्च हुआ उसमें क्या विशेष है, क्या चीजें होंगी जिससे कि बेसिक शिक्षा और मजबूत हो? यह ऐप हमको अपने पूरे विभाग की जानकारी डिजिटली उपलब्ध कराएगा। शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति रोज का रोज हमको अपडेट होगा। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति, हमारे मिड डे मील की स्थिति, हमारे अधिकारियों का निरीक्षण, हमारे शिक्षकों के अवकाश, ये सारी सुविधाएं इस ऐप के माध्यम से एक बटन के क्लिक से, एक थंब से ये हमारे विभाग को उपलब्ध होंगी। और जब हमारे पास आंकड़े होंगे, जब हमारे पास इनपुट होंगे, तो हम भविष्य की अच्छी योजनाएं बना सकेंगे और उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा में जो कायाकल्प के लिए हम प्रयासरत हैं उस गति में तीव्रता आएगी। इसीलिए आज इस ऐप को लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री जी ने साफ किया है कि जिस तरीके से जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उसको भी बेसिक शिक्षा अपने मतलब जो शिक्षक हैं आपके वो बृहद स्तर पर जनता तक पहुँचाएं, इस चीज़ के लिए कोई जागरूकता करेंगे या कोई नई चीज़ शुरुआत करेंगे? मुख्यमंत्री जी के का भाव ये था कि हमारे बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षक गांव में रहते हैं, गांव की जनता के बीच रहते हैं, हमारी सबसे जो निचली इकाई है वहां रहते हैं, समाज उनका सम्मान करता है, उनकी बातों पर भरोसा करता है। तो अगर वो जनता के कल्याण की जो सरकार की योजनाएं हैं उनके माध्यम से जनता के बीच जाएंगी तो सरकारी योजनाओं की सफलता और सुनिश्चित की जा सकेगी और जनता का कल्याण सुनिश्चित है। स्वेटर, जूता और मोजा ये पहले से बड़ी एक बड़ी समस्या रहेगी, सप्लाई समय पर नहीं हो पा रही थी, आज मुख्यमंत्री जी ने भी उसका जिक्र किया। आपने ऐसा क्या रोड मैप बनाया है कि ठंड आने वाली उससे पहले ये सब चीज़ें पहुंच सके? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार सर्दियों से पहले बच्चों को स्वेटर मिलेगा। हमने 30 अक्टूबर की डेडलाइन तय की है, 30 अक्टूबर तक स्कूलों तक स्वेटर पहुंच जाएगा। सर्दियों से पहले स्वेटर बच्चों के हाथ में होगा, उसका फुल प्रूफ प्लान हमारे पास तैयार मैप है इसका। नहीं, जैम पोर्टल से खरीदारी होगी और उसकी प्रक्रिया सभी जिलों में जिला स्तरीय पर बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिलाधिकारी के माध्यम से शुरू हो चुकी है। जल्दी ही उसकी आपूर्ति होगी और 30 अक्टूबर तक स्कूलों तक पहुंच जाएगा, इसकी व्यवस्था कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हिंदी खबर से बात करने के लिए। थे मंत्री सतीश द्विवेदी जी, जिनका साफ ही कहना था कि जिस तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग बड़े स्तर पर काम कर रहा है उन चीज़ों को और आगे बढ़ाया जाएगा और सबसे बड़ी बात जिस तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग जूता, मोजा और स्वेटर देने के लिए बच्चों को कटिबद्ध है उस चीज़ के लिए उन्होंने डेडलाइन भी तय की है कि 30 अक्टूबर तक ही सभी बच्चों के पास कपड़े पहुंच जाएंगे। कैमरामैन संजय दुबे के साथ मैं विक्रम राठौर, हिंदी खबर लखनऊ। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।